वडोदरा की नई कलेक्टर कचहरी पर आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड का कैंप तो जारी है, लेकिन अब वहां पर प्रकृति परीक्षण अभियान को भी शुरू करवाया गया है, जिसके तहत वहां पर लाभार्थी बड़ी तादाद में कैंप का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वडोदरा की नई जिला कलेक्टर कचहरी पर मौजूद सांसद कार्यालय पर हर गुरुवार को कैंप का आयोजन होता है। दरअसल वहां पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए कैंप आयोजित करवाया गया है, तो वहीं पहली बार 18 साल की आयु के कम के बच्चों के लिए भी आधार कार्ड का कैंप आयोजित हो रहा है। तो वहीं इस कैंप में प्रकृति अभियान को भी शुरू करवाया गया है। तब प्रकृति परीक्षण अभियान भी शुरू हुआ है, जिसके मद्देनज़र बड़ी तादाद में इस इलाके के लोग कैंप का लाभ लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तब इस बारे में भाजपा शहर महामंत्री बख्शीपंच मोर्चा चंद्रकांत गज्जर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज डॉक्टर हेमंग भाई जोशी ना अटल जनसेवा केंद्र खाते 18 वर्ष थी नीचेना बाळकोनु जे लोकोनु फर्स्ट टाइम एटले के पहली वक्त आधार कार्ड बनावानुं कामगीरी करवामां आवी रही छे। एनी साथे साथे आयुष्यमान कार्ड 70 वर्षथी वधारे उमरना वडीलो होय एमनું આયુષ્યમાન કાર્ડ બનાવવાનું કામગીરી ચાલે છે। 70 વર્ષથી નીચેના વ્યક્તિઓનું પણ આયુષ્યમાન કાર્ડ બનાવવાની કામગીરી ચાલે છે। એની સાથે સાથે પ્રકૃતિ પરીક્ષણનો પણ અહીંયા કને કેમ્પ આજે ગયા ગુરુવારે પણ રાખવામાં આવ્યો હતો, આજે ફરી પાછો આ ગુરુવારે પણ રાખવામાં આવ્યો છે। તો આ તમામ પ્રકારની કામગીરી કલેક્ટર કચેરી ખાતે ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ જોશીના કાર્યાલય અને જનસેવા કેન્દ્ર ખાતે આ કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે અને અનેક લોકો વડોદરા શહેરના નાગરિકો આનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને આપના માધ્યમથી હજુ પણ વધારેમાં વધારે લોકો આ બધી સેવાઓનો લાભ લે એવો અમારો પ્રયત્ન છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।